लगता है तुम्हें नेचर बहुत पसंद है। हेलो, आई एम भवानी शंकर, रिटायर्ड डीसीपी। अंजलि, स्टूडेंट। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी तरह ही मुझे भी नेचर बहुत पसंद है, इसलिए मैं रिटायर्ड होकर यहाँ आकर सेटल हो गया। मैं तुम्हें यहाँ 2 दिन से देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इस शहर में नहीं आई हो क्या? जी हाँ, मैं अभी आपको 1 हफ्ते से देखती रही हूँ। हमेशा आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, आज अकेले आए हैं ना? मुझे इसी मौके का इंतजार था। What? जा रही हूँ मामा जी, टिफिन तैयार कर दिया है, लंच हॉल में रख दिया है। देखो, मैं ये सब देख लूंगा, तुम जाओ बेटी। ओके, लेकिन आप दवाई लेना मत भूलिएगा। ठीक है। अंजलि, संभल के। अरे उनकी छत्ते में भाग गया वो। कौन भाग गया, क्या बात है? अरे 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 अरे, इतने जन बस में लटकने के बजाय पीछे आ रही बस में चढ़ो ना। हमें इस तरह बस में लटकने का शौक नहीं है, पहले सोनी बेच को नीचे उतारिए, फिर हम लोग उतरेंगे। अच्छा, ऐसा क्या? ए, लड़कियों को भी नीचे उतारो। इडियट्स, ये बॉयज बिना बंदर है, इस तरह से बस में लटकते तो रहते क्या हैं। तुम्हें लटक कर जाना है? क्या बात है, जब से वाइजैक से आई हो जोक बोलने लगी हो? वाइजैक में इतना क्या करके आई हो? बारिश में आइसक्रीम खा रही है। ये ऐसी ही है, बारिश में ही आइसक्रीम खाती है। बारिश में भीगने का हमें बिल्कुल शौक नहीं है, और ना किसी और को भी हो सकता है। क्यों नहीं होगा, मेरे जैसा कोई ना कोई जरूर होगा। मेरे जैसे थिंकिंग रखने वाले, मेरे जैसे टेस्ट वाले बहुत से लोग होंगे। एटलीस्ट एक तो होगा ही। Thank you.
ये क्या कर रहा था तू? पागल हो गया क्या? अरे कहीं तू ना मर जाए इसलिए मैं अपनी मौत भूल गया। अरे तू तो अच्छा खासा है, तू क्यों मरने जा रहा था? अच्छा अगर मैं तुझसे बोलता तो तू मेरी बात सुनता क्या? उल्टा तू मुझे सुनाता। तुम्हें क्या पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम है? हाँ तुम्हें लाखों प्रॉब्लम्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया। और जान देना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत वाले हो, लेकिन हिम्मत करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ओके भाई सोच रहे ब्रदर, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। क्या साहब एक अजनबी के लिए अपनी जान हाजिर कर दी? जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके लिए रिस्क ले सकता हूँ। तू कब आया? जब आप बहुत बिजी थे तभी आया। हर वक्त तो बिजी ही रहता हूँ। कब तक इस तरह से देखकर आहें भरते रहोगे पिताजी? वैसे आंटी बहुत अच्छी है ना, शादी कर लो ना। तुम सही कह रहे हो, पर ये इतना आसान नहीं। उसका पति और तुम्हारी माँ मानने चाहिए ना। किस लिए? कुछ नहीं माँ, बाजू वाली के प्यार में पिताजी पागल हो गए। अच्छा सा कोई मुहूर्त देखें कि शादी करो। वही तो, कैसे डील करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पे डील करने वाली क्या बात है, उनके हस्बैंड से जाकर बात कर लो ना। हम लड़के वाले हैं, हम जाकर बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। किसकी शादी माँ, भाई की? इस घर में पापा के होते हुए मैं शादी कर सकता हूँ क्या? ये गलत है। पापा दूसरी शादी मेरे लिए नहीं, मम्मी लाओगे? क्या करूँ बेटी, ये सभी लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा के दूसरी बार घर बसाना चाहते हैं। दूसरा घर नहीं, जिस घर में हो वहाँ से निकालना चाहते हैं। मुझे पता है, जब से तुम फिल्म देखकर आई हो तब से पीछा छोड़ने की बात कर रही हो। आप छोड़े तब ना। क्या मैं तुम्हारे पल्लू से बंधा हूँ इसलिए हवा में उड़ रही हो? ए, तू भी सुन ले, मैं इसको डाइवोर्स देकर दूसरी शादी कर लूंगा। गुड आइडिया। पिताजी आप अपनी बात पे अड़े रहना, मैं अभी आपकी शादी करवाता हूँ। वेरी गुड। अंकल। अंकल उसको क्यों बुलाया? आपकी शादी करवाने के लिए। बोलो बेटा क्या बात है? शादी शादी शादी। शादी? किसकी शादी? मेरे बाप की, आंटी से। शादी शादी। शादी आंटी से? मैं अभी आ रहा हूँ। सरदार जी आप बताओ, मैं आ रहा हूँ। सरदार से मेरा मर्डर करवाने का प्लान था, अभी देखो। जी, मैं भी बात करने आऊँ? नहीं नहीं मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था। क्या रे किसके साथ चैट कर रहे हो, कोई लड़की है क्या? इससे तुम्हें क्या, जाओ ना। ये क्या हैदराबाद कॉलेज में एडमिशन? नो नो इजाजत नहीं दूंगा। तुम हम सबको छोड़कर हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ना चाहते हो? तुम मुझसे परमिशन लिए बिना कैसे उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया? जी क्यों चिल्ला रहे हो? तो ठीक है तुम चिल्लाओ, मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है मैं चिल्लाता हूँ। तू क्या सोच रहा है कि तू बड़ा हो गया, तू ऐसा सोच रहा है क्या? तुम्हें माँ बाप का बिल्कुल डर नहीं है? लेकिन ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? पापा कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है। ओवर हो रहा है? कहीं उल्टा वही आपको फंसाना दे। ठीक है तो अभी यहाँ से हिलना मत। प्लीज पिताजी मैं अकेले उधर एंजॉय करने जाना चाहता हूँ। एंजॉय करने से रोक रहा हूँ मैं, सिगरेट पीने से मना किया, बियर पीने से मना किया, लड़की पटाने से मना किया। पापा आपको पता नहीं चैटिंग के लिए हैदराबाद से कोई लड़की मिल गई होगी। बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम यही रहोगे कहीं नहीं जाओगे। क्यों जी? फिर बाजू वाली आंटी साइड फैमिली मैटर नहीं चाहिए। अरे तुम वहाँ, हम लोग यहाँ। बेटा तुम्हारे बिना हम लोग नहीं रह सकते। प्लीज माँ एक ही साल है समझो ना, इसे टाल नहीं सकते क्या? पिताजी प्लीज। तो ठीक है हम भी देखते हैं कि तू कितने दिन रह सकता है। जा यहाँ तो कुछ नहीं किया, एटलीस्ट हैदराबाद जाकर किसी अच्छी लड़की को पटा कर लगा। ओह गॉड। क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए, भाई के गुंडे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। भाई क्या सर, प्लीज सर भागो 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 भागो। ए क्या ये सब? सर बचा लीजिए वरना भाई के आदमी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। क्या भाई के लिए आ रहे हैं? ए तो रुक जा, रुक। ए बात सुनो, ये सब क्या है?
पब्लिक प्लेस इसको क्यों मार रहे हो? मारूंगा तो क्या करो, पब्लिक को न्यूज की जरूरत नहीं, चैनलों की चाहिए। क्या किया इसने? क्या नहीं किया, उधर वैजाग में डीएसपी का मर्डर हुआ, चैनल ने एक मिनट के लिए टेलीकास्ट किया। मेरे भाई ने जब मर्डर किया तो रोज रोज टेलीकास्ट करके टीवी पे हाईलाइट कर दिया। अब इसका मर्डर करूंगा, फिर देखता हूँ कैसे टेलीकास्ट। रुको सुनो, इतने सारे लोकल चैनल है, तू कहाँ से आया? तू क्या सोच रहा है ये पब्लिक तेरी मदद करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। उधर देख वो पुलिस, वो दाढ़ी में हाथ फेर रही है। अरे भाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर वो तेरे पे एक केस करेगा ना तो पुलिस लात मारते हुए ले जाएगी तुझे। वैसे तुम जो कर रहे हो करेक्ट है, क्या करना चाहते हो इसका? इसका मर्डर करूंगा। ए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? इसका मर्डर मैं करना चाहता हूँ। देख अब्दुल्ला, इसका मर्डर करूंगा ना तो मेरे 50 मर्डर पूरे हो जाएंगे। देख सदा, भाई को जो धोखा देता है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ता। ए, पकड़ो उसे, भाग रहा है वो। भाग कर कहाँ जाएगा? और सुन ले, पहले जो उसका मर्डर करेगा वो उसके अकाउंट में जाएगा। चल ए, पकड़ो रे। यस, देखा मर गया। भाई के काम में टांग अड़ाएगा, उसका अंजाम ऐसे ही होगा। ए, भाई को फोन करो। हैदराबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई है, वो सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकेगा। क्या सर, हैदराबाद घूमने आए क्या? नहीं, खरीदने आए हैं। बेचोगे क्या? क्या सर, जोक कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे ऊपर जो गुस्सा था वो तुम्हारे ऊपर निकाल रहा है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मेरे लिए आप लोग आ रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें छोड़कर हम लोग नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारे पास आ गए हैं। इसके लिए ट्रांसफर करवाने की क्या जरूरत थी? ट्रांसफर की क्या बात है, रिटायर होकर भी आना पड़ता तो भी मैं आता, क्योंकि तू इधर हम लोग उधर, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं सर, वैसे आप दिल्ली में क्या करते थे सर? बाजू वाली आंटी को लाइन मारते थे। सैलरी कितनी थी सर? बहुत हंस लिए तुम लोग, अब बस करो। क्या बात है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, इधर सीएम आने वाला है क्या? भाई आने वाला है सर। भाई किसका भाई? वो शहर का भाई है सर। हाँ, क्या करता है वो? कुछ भी करता है और कुछ भी करवाता है। हाँ, बाप रे, बड़ा गुंडा है क्या? हम ऐसा नहीं बोल सकते इसलिए भाई बोलते हैं। हैदराबाद में जरा संभल के। हैदराबाद में भैंस की तरह भाई लोग कैसे हैं, कैसा न्यूसेंस है? आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इसकी आदत छूटने वाली नहीं है, बारिश रुकने तक ये नहीं आने वाला है। बारिशों की बूंदों को बना के टीवी चल जाऊं आसमां पे और देखूं सारे रहा। जाने के
क्यों लगे कि आज कोई मिल गया है, जाने क्यों लगे कि दिल ये मेरा खो गया है। ये मस्ताना मस्ती करने लगा मुझको इसका नशा। गुलाब सिंह कौन है बे? गुलाब सिंह बोलो। शायद अभी तक आया नहीं भाई। बोला उस पागल को कहां पर है भाई? मैं इधर हूं भाई। तू है क्या? तुम्हें मारने के लिए लकड़ी की क्या जरूरत है? तेरे तो तू हमारे शहर में आकर हमारे लड़के को मारा। उसने एक लड़की को छेड़ा था भाई। लड़की को छेड़ेगा या उसका रेप करेगा तो क्या तू उसे मारेगा? ये गलत है भाई। गलत? वो क्या तेरी बहन लगती है? तू अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है क्या? भाई भाई कॉलेज में झगड़ा मत करो भाई। कॉलेज में झगड़ा नहीं करने का, तो फिर बाहर देख लेते हैं। चलो चलो। नहीं भाई मारो मत। गुलाब सिंह सिटी कॉलेज से बोल रहा हूँ, अर्जेंट भेज दो। मैं बात कर रहा था ना। ए, इन सबको लेके जाओ। ए, क्या रे? क्या देखता क्या है रे? देखता क्या है बे? तेरी तो क्या रे, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था। सॉरी भाई, सुपर एक्टिंग भाई। प्लान के मुताबिक मैं स्टूडेंट बनकर कॉलेज में आ गया भाई। दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको बुलाऊंगा भाई। ये लीजिए 10,000। क्या 10,000? ज्यादा है क्या भाई? कोई बात नहीं, आप रख लो भाई। ये ज्यादा है। अबे तुमने जो मारा और मुझे रिवर्स होकर जो गिरना पड़ा, मुझे कितनी चोट लगी, ये बहुत कम है।
भाई भाई मेरा चैन दे दो भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई। अरे मर गया। आज के बाद अगर कॉलेज की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंखें निकाल लूंगा। जा रे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। इस सिटी का भाई, सिटी कॉलेज मेरी है। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ तो याद रखना गुलाब सिंह है। अब अपने अपनी क्लास में जाओ। बाप रे बाप, क्या फाइट किया भाई आपने, ऐसा लग रहा था एक्शन फिल्म देख रहा हूं। एक्शन ही तो था। वो एक्शन था क्या? अरे वही तो, आजकल एक्शन फिल्मों में भी कहां रियल एक्शन करते हैं। अगर हम 10,000 भी खर्च करते तो भी ऐसी फाइट नहीं देख पाते। 20,000 में नहीं होगा? 20,000? अब मेरा मतलब 10,000 क्या, 20,000 जाए तो भी ऐसी फाइट न हो सकती है, न कोई देख सकता है। भाई आपकी चेन कहाँ है? अब फाइट करने में कहीं गिर गया होगा, जाओ ढूंढो। ठीक है भाई। चलो जाओ। मेरा सेल। मेरा सेल मैं ले लूंगा। सेल लेगा? ले ले, ले ना। अगर था मैं तो लेके दिखा। ले, ये लुक क्या दिखा रहा है, देखा ना मेरा पावर क्या है। 10,000 का। कैसा 10,000? वो चेन भी। मेरे भाई तूने अंधेरे में तीर मारा ना। मेरे सेल में सिम नहीं है। तुझे पता नहीं है मेरे पीछे भाई का हाथ है। तुम्हें कोई भाई नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये बात तूने कैसे जान लिया भाई? नहीं, अंधेरे में तीर छोड़ रहा था। इससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। बुद्धा को फूल? क्यों, इन्हें फूल नहीं चढ़ा सकते? बुद्धा को जानने वाले बुद्धा को कभी फूल नहीं डालते। रहने दो, मैं तो चढ़ा। तेरा ये भी एक शौक है क्या? थैंक यू मैम। वेलकम। एक और बुक है, मैं कल दे जाऊंगी। ओके। हेलो, थैंक्स मैडम। वेलकम। जानबूझ के मारा या अनजाने में मारा? देखा था, फिर भी धक्का मारा। सेल फोन के चक्कर में मेरी ज्यादा ही खिंचाई कर रहा है। तुम्हारी तो तैयार किया था ना? बताया था ना मैंने? आप मुझे पसंद हो? What? आप गलत मत सोचिए, जनरली ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कपड़ा अच्छा है, फ्लावर अच्छा है, ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम बारिश में आइसक्रीम खाते हुए देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी उस वक्त आपके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टेस्ट है। मेरी एक बहन है जो अक्सर मुझे तारा देती है कि मेरे जैसा टेस्ट और किसी का नहीं। मतलब ये पागल है? 1 सेकंड, आप रुकिए। मैं कौन हूँ? आप मुझे नहीं जानती और मैं आपको नहीं जानता। जस्ट मेरे दिल में जो था मैंने आपको बता दिया। इस मैटर को यहीं भूल जाइए। ओके बाय। इतना बोलने के बाद कौन भूल पाएगा? तेरे जैसा एक और नमूना मिल गया है, अभी चल यहाँ से। ये क्या हो रहा है? मुझे धक्का दिया उधर का, तुम मुझे पसंद नहीं हो, लड़की है से ये भी किया, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियों को फैक्ट बताने से जल्दी फ्लैट हो जाती है। मतलब तू मुझे फॉलो करने को बोलता है? वही तो। ठीक है चलो फॉलो मी। लड़की आ रही है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम टिंगू मैं टिंगू, तुम्हारा पेट नहीं मेरा पेट नहीं, तुम भी ब्लैक मैं भी ब्लैक, तुम भी पागल मैं भी पागल, चलो हम दोनों प्यार करके भाग चलते हैं। ओके चलो भाग। अरे बंदर, वो लड़की कौन थी? अपनी राजिमा थी माधव। मैं इस राजिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस लड़की ने लाइब्रेरी में मारा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में लड़की ने मुझे मारा? इसने बताया क्या? क्या सच में मारा था उसने? राजिमा सच बोल, अगर कोई आंटी से मार खाता तो चलता था, एक लड़की से मार खाते हुए शर्म नहीं आई? माधव राव, तुम उसकी बात को सच मान रहे हो? क्यों रे, दिल्ली से हम लोग यहाँ मार खाने आए हैं क्या? ये तो तुम्हारे पति देव की आदत है, मेरी नहीं। वैसे उस लड़की से बात किया? बात की, कि उस लड़की का टेस्ट और मेरा टेस्ट एक ही है। तो ठीक है, जब बारिश आएगी तो तुम दोनों भींगते हुए आइसक्रीम खाना, ये बताया क्या तूने उसको? अरे माधव राव, प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मुझे पसंद हो, सिर्फ ये बताया बस। थैंक्स ब्रदर। उस लड़की के साथ क्या बात की ये बताने के लिए? बहुत खुश हो गई। अच्छा, तुम जिससे चैटिंग करते हो ये वही है ना? क्या चैटिंग, ये नया फिटिंग मत लगा बहन। लड़की अच्छी है क्या? मुझसे तो अच्छी थी। लड़की को आने को बोलो। एक बार लड़की को घर पे लेके आना। देखो तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, उस लड़की और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमसे कोई संबंध नहीं है तो उसने तुम्हें क्यों मारा? तुम लोग ना, अब प्लीज भगवान के लिए मेरा भेजा मत खाओ ना। अच्छा, जब मेरा दिमाग है तो कुछ नहीं, अब पकड़ में आए हो, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? ये बाइक तुम्हारे लिए खरीदी है भाई। भाई आज से मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम मुझे अच्छे लगते हो भाई। भाई मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ दूंगा। अच्छा जल्दी कर, कॉलेज का टाइम हो रहा है। ठीक है भाई।
अरे इधर क्यों रोक दी? नई गाड़ी है ना भाई, पूजा करवाने के लिए। ऐसा क्यों? बाइक को कुछ नहीं होना चाहिए ना इसीलिए। मतलब तुम्हें कुछ भी होगा तो चलेगा? मुझे भी कुछ नहीं होना चाहिए ना भाई। मतलब तुझे और बाइक को कुछ नहीं होना चाहिए? मुझे और बाइक को दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, इसका मतलब तुम जिसको ठोकोगे उसको चोट लगनी चाहिए ना? नहीं भाई, मुझे और बाइक को और मैं जिसको ठोकूंगा उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए भाई। मतलब बस भाई, मुझे पूजा नहीं करनी, अब चलो यहाँ से। चलो ठीक है, चलो पूजा करवाते हैं। मंदिर में मस्ती नहीं करते बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? याशिका। स्वीट नेम। चलो बेटी, चलता हूँ सर। पहले के वक्त में जब यहाँ यज्ञ होता था तो घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, एक मिल तक लाइन लगी रहती थी। अरे वो जो बैठा अपने राम की तरह है ना? लग नहीं रहा है, वो अपना राम ही है। ये क्या कॉलेज से डांडी मार के इधर बैठा है? नहीं नहीं, बताया था ना लाइब्रेरी वाली लड़की, वो देखो उधर है। अच्छा तो ये बात है, आओ। हाय। इतनी जल्दी भूल गए? हम वो लाइब्रेरी बारिश। आपने कहा था ना ये बात यहीं भूल जाइए। अर्चना या अभिषेक? नहीं नहीं, मैं उस समय जल्दी में था। अरे आप लोग कब आए? ये बात तो हमें पूछनी चाहिए। अगर मिलने के लिए आ भी गए बेटा। माधव राव, आप ओवर कर रहे हो। देख ओवर तू कर रहा है। ये ओ, ये मेरे पिताजी और मेरी माँ, ये मेरी बहन है। ओ, हमारे टेस्ट के बारे में जो कमेंट करती हैं, यही है ना? वही, तुम दोनों का टेस्ट एक ही है इसलिए तुम दोनों में जमती है। क्या जम रहा है? हाँ वही वही, फ्रेंडशिप के बारे में बातें कर रहे हैं। हमारे बारे में बताया? नहीं, हमें आपके बारे में सब पता है। क्या पता है मेरे बारे में? वही चैटिंग, दिल्ली से। मदर ऑफ, प्लीज प्लीज। चैटिंग क्या? चैटिंग, लड़की को कंफ्यूज मत करो। अर्चना तुम्हें शायद देर हो रही होगी, प्लीज अब जाओ। तू चुप रहे। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। आज से तुम भी हमारी फैमिली के मेंबर हो, कभी घर पर जरूर आना। आपके घर? हाँ हमारे घर आओगी ना? जरूर। घर के सभी लोगों को याद किया क्या ना? जाते ही चिट्ठी लिखना। ये लड़की हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, अब शादी का मुहूर्त निकलवा ही लेते हैं। ओहो माधव राव, क्यों तुम्हें डर है? आपको तो मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, अब तो ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा। भाई लाइब्रेरी में जिस लड़की को तुमने पसंद किया वो मंदिर में आ, मुझे इतना बेवकूफ बनाया। पहले उस लड़की के साथ मंदिर में आने का प्रोग्राम बनाया और अब सबके सामने अनजान बनकर नाटक कर रहे हो। वो लड़की मंदिर में मीटर की तरह राउंड लगा रही है, जाओ। भाई गुलाब भाई, मैं ठीक हूँ ना भाई? सब ठीक है, पर धोती होती तो ज्यादा अच्छा होता। अब धोती कहाँ से मिलेगी? अरे किसी भी दुकान में मिल जाएगी भाई। ओ वो कहाँ है? भाई उसने मुझे मारा भाई। मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। कौन है रहा वो? वो भैंस की तरह है भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी मारा। खुद ही भैंस की तरह है, तुझे मारने वाला कौन भैंस आ गया? वो कैंटीन वाला है भाई। उसे मेरा नाम बताया क्या? आपका नाम बताया तो दो थप्पड़ और मारा भाई। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे पता लगाना होगा कौन है वो। ये वही है भाई। ये क्या है? दूसरा वाला लेकर आ। क्या? चल रहे। मेरे आदमी को क्यों मारा? तेरे से पूछ रहा हूँ, मेरे आदमी को क्यों मारा? ऐसे ही मारा। ऐसे ही मारा या कुछ बोला तो मारा? कुछ नहीं किया, ऐसे ही मारा। सच सच बोल, फाइनली पूछ रहा हूँ, तू मेरे आदमी को क्यों मारा? कितनी बार बताऊंगा मैं? ऐसे ही मार दिया। ऐसे ही मारा? हाँ। ओके ओके चल रे, ऐसे ही मारा। उसने अपनी गलती मान ली इसलिए बच गया। क्या भाई, उसको ऐसे ही छोड़ दिया? उसने ऐसे ही इसको बहुत मारा है, जंगल के टार्जन की तरह दिखता है, टच भी करूंगा तो मार डालेगा। चल इधर। अरे डर गया क्या बे? सिंह, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह किसी से डरता नहीं है रे। चलो यहाँ से चल चलते हैं। भाई सब लोग देख रहे हैं, अपनी बेइज्जती हो जाएगी भाई। आप यहाँ से खींच लो। क्या कर रहे हो भाई, बेइज्जती हो जाएगी। हाथ छोड़, बोला ना मेरा हाथ छोड़, हाथ छोड़ बोला। देखो तुम्हारा हाथ पकड़ा भाई। तू इधर रुक, मैं पास आता हूं, पहले इसको सबक सिखा लूं, बाद में तुझे बता। क्यों रे भाई? भाई हाथ पकड़ रहा है मेरा। ए तू समझता है क्या? समझता है? मैं तू मार नहीं सकूंगा। अरे भाई छोड़ दे भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं क्या कायर हूं जो उसे नहीं मारूंगा? हां बोल रे, बोल। मैं क्यों नहीं मारूं उसे? क्यों नहीं मारूं उसे भाई? हां मत मारो भाई, तू वहीं रुक, तुझे बाद में बताता हूं। बोल रे भाई, क्यों मारो भाई? क्यों मारूं उसे भाई? कैसे करता हूं भाई? तेरा कौन लगता है रे? बोल नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाल बाल बच गया। क्यों रे, क्यों तुम लोग मेरे गुस्से को कंट्रोल करते हो? वो आज चला गया इसलिए बाल बाल बच गया, वरना आज मैं उसके टुकड़े टुक। Excuse me.
आप तो ज्यादा लाइब्रेरी में दिखती हैं। बुक्स पसंद है ना आपको? नहीं, ये लाइब्रेरी मुझे बहुत पसंद है। सच में मुझे भी ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे कुछ टेस्ट आदतें मिलना मुझे कॉमन लगता है। वैसे कुछ भी हो, जब एक ही टेस्ट वाले दो इंसान आमने सामने हो तो बड़ा मजा आता है, राइट? राइट। एनीवे, आई एम राम। अंजलि, मंदिर में आपने बताया था? यस, बताया था। अभी आप अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के सामने कितना हड़बड़ा रहे थे। आप थी ना? व्हाट? हाँ वही, मुझे किसी के साथ बात करते देखते हैं तो कुछ सोचते समझते नहीं, बस उसका इंटरव्यू ले लेते हैं और उससे क्लोज होने के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये गलत है ना? और अगर कोई लड़की हो तो? आप थोड़ी परेशान हो गई थी ना? नहीं, पेरेंट्स के साथ मस्ती करना मुझे अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, इस बात में भी हमारी पसंद कितनी मिलती है ना। तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे पेरेंट्स की तरह मजाक करते हैं ना, एम आई राइट? करते थे। मतलब? सॉरी अंजलि, मैंने पेरेंट्स के बारे में बात करके तुम्हें दुख पहुंचाया। जब मैं भूलूंगी तुम मुझे याद दिला देना, वो लोग अब यहाँ नहीं है, मुझे हमेशा याद रहेगा। वो नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? वो है। हाँ वो है, तुम्हारे आसपास ही है, वो तुम्हें देख रहे हैं, वो यहीं तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने है। अगर तुम अपनी आंखें बंद करोगी तो वो तुम्हें दिखाई देंगे। अगर तुम खुश रहोगी तो वो लोग भी खुश होंगे, अगर तुम दुखी होगी तो वो लोग भी दुखी होंगे। आज के बाद तुम ऐसा नहीं बोलोगी, वो है। यस।
स्टॉप इट। अरे अरे भागो भागो भागो, छुपो जल्दी छुपो जल्दी छुपो। अरे बाप रे, चलो इधर आओ। लगता है देख लिया। चलो अब रोड पे क्या नाच रहा था, इधर नाच। ये दुनिया छोटी सपने बड़े आंखों में लिए, हाँ चलते रहना रुकना कभी ना, जाना है आगे आसमां से मुश्किल है कुछ ना, तू हंसते रहना गम ना तू करना, आंखों के सपने एक ना एक दिन सच हो ही जाते ना, तू हारना अंजलि, बेटी अंजलि। हेलो कुकू चुचू। अंजलि बहुत दिनों के बाद तुम्हें आज मैं इतना खुश देख रहा हूँ, और तुम हमेशा खुश रहो ऐसा मैं चाहता हूँ। नहीं मामा जी, जब तक मैं अन्ना और उसके तीनों आदमियों को मार नहीं देती ना तो मैं खुश रहूंगी और ना ही शांत। भाई के आदमियों को मारने का हमें एक अच्छा मौका मिला है। भाई ने एमपीएम कॉम्प्लेक्स को कम रेट में खरीदने का प्लान किया है और सेठ को भी सोचने के लिए टाइम दिया है। उस सेठ को भाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए रातों रात भाई के दुश्मन पटवारी को रातों रात कॉम्प्लेक्स बेचकर चला गया है। अब वो पूरा शॉप पटवारी के अंडर में है, लेकिन भाई जो चाहता है उसे वो हासिल करता है। वो उस कॉम्प्लेक्स को हासिल करने के लिए अपने आदमियों को वहां भेजेगा। दोनों ग्रुप के बीच में जमकर झगड़ा होगा, तो वहां हमें सदा और अब्दुल्ला में से कोई एक जरूर मिलेगा। अभी दुकान के मालिकों से कहो कि वो बाहर आए, वो लोग नहीं आएंगे। मैं तुम लोगों को दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। इसको पटावी ने खरीदा है। किसी ने भी खरीदा हो या मेरे भाई का, ये नहीं होगा। होगा कैसे होगा, हम भी देखते हैं। तू देखेगा रे। अरे भागो जल्दी। भाई की नजर है, मैंने कहा था ना भूल जाइए उसे, लेकिन आपने सुना नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी और वो कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। अब क्या हुआ देखा ना आपने, उन लोगों ने आपके आदमियों को मारकर आप पे केस नहीं कर दिया। छोड़ूंगा, वो भाई और उसके आदमी मेरे हर बिजनेस में टांग अड़ाते हैं, उनका स्पॉट लगाना ही पड़ेगा। पहले सदा और अब्दुल्ला को दुनिया से उठा दो। आप सही कह रहे हैं भाई, अगर हमने अब्दुल्ला और सदा को मार दिया तो भाई को मारना बहुत आसान है। मेरी सोच के मुताबिक भाई को वहां आना चाहिए, भाई का वही स्पॉट।
इधर बैठ के किसी के मर्डर का प्लान बना रहे हो? नो टेंशन, परफेक्ट मर्डर का प्लान बनाओ। ए एसआई मूर्ति, इधर भी। ए पटवारी, बैठ बैठ। तुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, तुझे हर बात में बीट कर रहा हूँ ना, तेरे आदमियों को मार डाला। मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दे, ऐसा लग रहा होगा ना। तेरी जगह पर मैं होता तो मेरा भी यही हाल है। इट इज परफेक्ट, तुम फैक्शनेट हो इसलिए इसे बहुत यूज करते हो। अगर इसको ऐसे डालेंगे तो ऐसे उड़ जाएगा, मैं मारूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे देखकर डर जाता है और सर उड़ाने की बजाय कहीं वो ऐसे डालेगा तो मैं बच जाऊंगा। मैं अगर आधा बच गया तो तू पूरा मर जाएगा, मेरा सर उड़ जाना चाहिए। मेरे शिकारी की तरह मुझे इस तलवार की मौत भी बहुत ही चीप लगती है। इट इज परफेक्ट मेरे लिए है ना। ये गन तलवार मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, अगर इसको परफेक्ट प्लेस में लगाओगे तो वो पूरा ब्लास्ट, टुकड़े टुकड़े, पीस पीस। 20 सेकेंड। तुझे पता था ना वो कॉम्प्लेक्स मुझे पसंद है, फिर भी खरीदा। ए पेपर लाओ। 15 सेकेंड्स। मैं जब यहाँ आया था तभी सोच लिया था कि आज या तो तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा, बट अभी लग रहा है कि हम दोनों को मरना होगा। 10 सेकेंड्स। ए पता क्यों इतना सब झगड़ा, इतनी टेंशन? अगर हम दोनों मरेंगे तो पब्लिक बहुत खुश होगी। 6 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। दादागिरी करने के लिए दम चाहिए और धंधा करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो दोनों ही मेरे पास है। ए पटवारी, मैं मौत से नहीं डरता, मैं तुझे अभी का अभी यहीं मार सकता हूँ, लेकिन शहर में तुम्हारे जैसा दुश्मन होना चाहिए। जब तू मेरे लिए प्लान करेगा तब मेरा ब्रेन शार्प होता जाएगा, नहीं तो मैं डल हो जाऊंगा, सो जाऊंगा। इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे लिए जीना होगा। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो परफेक्ट प्लानिंग करनी होगी। और जिस दिन तू परफेक्ट प्लानिंग कर ले उस दिन फोन करना। ये सब तो मैंने देखा नहीं, उसकी इच्छा तो पूरी करो। ए रुक, इस तरह सर झुका कर क्यों जा रहा है? अरे नहीं कहीं नहीं। अरे क्या तुम्हारे सर पे चोट कैसी? कुछ नहीं माँ, छोटी सी खरोंच है। छोटी सी खरोंच है क्या, देखने तो दे। अरे माँ बस करो ना, इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये चोट कैसे लगी? मार्केट में छोटा सा झगड़ा हो गया। झगड़े से तुम्हारा क्या लेना था? ऐसा नहीं है पिताजी, उस झगड़े में अंजलि फंस गई थी, उसको बचाने के चक्कर में ऐसा हो गया। अच्छा तो ये बात है, अंजलि झगड़े में फंस गई थी इसलिए रिस्क लिया। क्या पिताजी, सिर्फ इतना ही या कोई मूवी, बैंड स्टैंड, रेस्टोरेंट? हाँ पिताजी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और उसके लिए चोट खा सकता हूँ। सुनो भैया। तू चुप रहे, अब तो आपको तसल्ली मिल गई ना? कुछ भी बोलो तो बात समझ में नहीं आती। ए तू जाना। अरे वो नहीं भाई, एक बार उधर तो देखो। अंजलि, आप भी ना पिताजी, अब वो लड़की क्या समझेगी? क्या समझेगी, तेरी बात सुनकर शर्मा कर चली गई। ऐसा नहीं है पिताजी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं तो आप शुरू हो। अरे आप, ए, वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद है, ए, तुमने ही हम लोगों से कहा था, अभी बात मत करो, चलो। वहाँ अंजलि आई है क्या? नहीं अंकल। ओके, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारे नहीं रहने से मैं परेशान था। मार डालना है मामा जी, मार डालना है। क्या हुआ? अब हमें और देर नहीं करनी है। नहीं बेटी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो हमारी एक गलती से वो हम दोनों को खत्म कर सकते हैं। आज जो भी हुआ तुमने अपने आंखों से देखा ना? लेकिन ये कब होगा मामा जी?
भाई को मारना इतना आसान नहीं है। और तुम्हें तो उन लोगों को मारने की चिंता पड़ी है, लेकिन मुझे ये चिंता है उनको मारने से पहले तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। हमें इस काम के लिए एक प्लान करना होगा। ठीक है भाई, करके रख दूंगा। अरे तुमने घर मांगा या फिर काम मांगा? अरे तुमने एक मर्डर ही तो मांगा है। तुम मेरे आदमी हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? अगर नहीं किया तो मेरे रहने का क्या फायदा है? ओके, हमारे आदमियों के टच में रहना है। देखो पिए सर, ये जमीन है, अभी से इसे कब्जा करने के काम में लग जाओ, नोट करो। हाँ नहीं हो पाएगा सर। क्यों? ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। ओ, कौन आदमी है उसका पता लगाओ, अगर मर्डर करना पड़े तो भी प्लान करो, और अगर कोई बीच में है तो उसको भी उड़ा दो। ये नहीं हो सकता सर। क्या? कब्जा आपने किया है। अभी क्या बोल रहा है, ऐसी कोई बात है तो ध्यान रख, वरना जो मर्डर का प्लान है वो अपने लिए बनाना पड़ेगा। भाई नमस्ते, भाई नमस्ते। अबे हट चल, कहाँ के लिए निकले हो भाई? तुमसे मिलने आया हूँ। यहाँ पे बाजार में? भाई आइए चलिए, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। ए, वहीं से आया है ना, यहीं बैठ के बात करते हैं, यहाँ किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ए, ट्रैफिक छोड़ दे, इधर बैठ। ए, दो चाय ला। भाई एक फोन कर दिया होता तो चला आता, सेंटर में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत मेरी थी ना। जरूरत क्या, आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए, लेकिन यहाँ ये बाजार है ना भाई। यहाँ 10 लोग देख लेंगे इसलिए फील हो रहा है क्या? इधर से ही निकल कर तो तू MLA बना, फिर मिनिस्टर बना, ये बात भूल गया क्या? वो दिन अलग ही थे भाई। वो दिन फिर लाना चाहता है? नहीं भाई, मैं उस दिन में वापस नहीं जाना चाहता। सब समझ गया, तो ठीक है। सदा अब्दुल्ला मेरी दो आंखों की तरह है, ये पता है ना? पता है भाई। इनको मैं कभी कुछ मना नहीं करता। ये मुझे नहीं पता। सदा भी तुम्हारी तरह MLA बनना चाहता है। क्या रे, MLA बनना था तो मुझसे बात करना चाहिए था, इसके लिए भाई को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन की सीट डिसाइड करने के लिए दिल्ली जा रहे हो ना? दिल्ली जाने की क्या जरूरत, अभी इधर ही डिसाइड हो गया ना। तो क्या है भाई, अगर डिसाइड नहीं हुआ तो खुद भाई दिल्ली चलेंगे, और इसी बहाने एक बार भाई फ्लाइट में पैर रख लेंगे। पिछली बार भी इसने यही कहा था। क्या यही बोला था? इस बार हो जाएगा, फ्लाईओवर का टेंडर दिलाएगा कहा था ना। क्या ये भी बोला था? तो क्या है ना भाई, ये प्रजा सेवा करते करते सब भूल जाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, इस बार डिसाइड कर दूंगा। मुझे राजनीति पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अपने सपोर्ट के साथ राजनीति में भेजा करता हूँ। ये तो आपका बड़कपन है, आपका बहुत बड़ा दिल है भाई। इसको MLA की सीट और इसको टेंडर मिलना चाहिए, और ये सब तुम करोगे। क्या बाइक है भाई आपकी, आपने खरीदी है क्या भाई? नहीं, चोरी करके लाया हूँ। ए मजाक मत करो, सच में ऐसी बाइक चलाने का मुझे बहुत मन कर रहा था। और रोड पर कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं इसे उठाकर ले आया। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? ट्यूबलेस टायर है, नया मॉडल है। तो तुम मानते ही नहीं। ये लो पकड़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा। ये बाइक मेरी है भाई। क्या रे, तेरी बॉडी देखकर भाग गया ये सोचकर तू मेरी बाइक ले आया? तुम्हें समझना मेरे पास की बात नहीं है। सही कह रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। अंजलि को देखा क्या? क्यों भाई, आई लव यू बोलने के लिए गए थे? मैं उससे प्यार नहीं करता ये बोलने के लिए। क्या अंजलि, कल घर तक आकर घर के अंदर क्यों नहीं आई? मैं तो ये पूछने के लिए आई थी कि कहीं तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी। तो फिर पूछा क्यों नहीं? मैं जब आई थी तुम ठीक थे। क्यों तुम डिसअपॉइंट हो गई थी? किस लिए? कल चोट लगने के बाद जो मुझे बेड रेस्ट लेना था वो नहीं लिया ना। हाँ तो क्या हो गया, तुम तो कल बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे थे। सॉरी अंजलि। सॉरी किस लिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती, तुम्हें थैंक्स कहना था मुझे। उस तरह बात करने के लिए? नहीं, मुझे बचाने के लिए। अच्छा होता अगर ये बात तुम मुझे घर पर कहती। उस वक्त बताना अच्छा नहीं होता। तुम कभी भी आओ, मेरे घर वाले तो वैसा ही सोचेंगे, तुम्हें तो पता है। सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है, सोचने दो क्या फर्क पड़ता है।
बुलाए मेरे संग वो एवरी डे रहना चाहे रे ने जो मांगा था वो तुम नहीं दे पाए तो ये मंत्री पद किस लिए? रिजाइन कर दो। क्या बात कर रहे हो, तुम भी यही कह रहे हो, अपोजिशन वाले भी यही कह रहे हैं। ये मंत्री का पद जो तुम्हें मिला है ना, मेरे भाई ने तुझे भीख में दिया है, भूल गया क्या? ठीक है भाई, अब क्या करूं? अल्ताफ, अल्ताफ ने किया है सब। मैं भाई के पास ना जाकर तुम्हारे पास क्यों आया हूं? क्योंकि तुम लोग बात सुनोगे जो मैं कहूंगा। अभी क्या सुनना, भाई को बोलो। वो पटावी सेंट्रल मिनिस्टर से हाथ मिला लिया है और तुम लोगों को वो टेंडर इसलिए नहीं मिला कि वो टेंडर उसे चाहिए, उसका सिर्फ वजह ये है कि आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए। विश्वास करो, मैं ना तुम लोगों को धोखा दे रहा हूँ और ना दे सकता हूँ। अगर तुम लोगों में दम है तो जाकर उसे मार दो। ए, उसको मारना क्या बड़ी बात है, दो मिनट का काम है, अभी डालू क्या? हाँ, डाल दो। अब्दुल्ला, जल्दबाजी मत करो, भाई के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। तुम जानते हो ना सदा, अगर भाई को बताऊंगा तो वो मना करेंगे, मैं अकेले उसे उसी के एरिया में मारूंगा, फिर भाई मुझे शाबाशी देंगे, मुझे शाबाशी देंगे। करेक्ट, यस। यही रुको, संभल के मामा जी। हम्म,
ये सब पटवारी का काम है। 24 आवर्स में मुझे वो पटवारी चाहिए। यही तो समझ में नहीं आ रहा है, वो पटवारी भी नहीं हो सकता, और वैसे भाई के लिए दुश्मनों की कमी नहीं। अब मैं उसे मार नहीं पाया इसलिए डिस्टर्ब हो गया। जो भी हो, किसने भी मारा, हमारा तो मकसद यही था। बंद करो, बंद करो भाई, भाई मेरे भाई की मौत हो गई, बंद करो ये सब, बंद करो बोला ना। भाई दुखी मत हो भाई। कौन मेरा मालूम है, मेरा अब्दुल्ला भाई, मेरा भाई, जा। गुलाब, ए गुलाब, इतना दुखी क्यों है? मेरी जान का टुकड़ा अब्दुल्ला भाई मेरी आंखों के सामने मर गया। तुम्हारी आंखों के सामने? हाँ भाई, उसने कहा चलो चाय पीते हैं, जैसे ही चाय पीने गया इतने में सामने से बुलेट आकर उसे लग गई। तब तुम क्या कर रहे थे? मेरे पिस्तौल निकालते ही वो भाग गया। तो मैं क्या करता? अब क्या करोगे? बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। तो ठीक है करो। अरे तुमको नहीं उसको। अरे अब्दुल्ला को मैंने ही मारा है। मैं तुम्हारे सेल फोन के चक्कर में क्या पड़ गया? तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझ रहे हो। मेरी बात पे तुझे भरोसा नहीं, ये है वो बंदूक जिसे शूट किया। भाई भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, तुम किसी की भी आंख में धूल झोंक सकते हो भाई। भाई तुम्हारे सामने क्या बिल्डअप करना है, वो तो भाई की नजर में आने के लिए मैं सब कर रहा था। अच्छा तो ये सब जाकर भाई के एरिया में जाकर करो। करेक्ट भाई, सुपर आइडिया। गाड़ी निकालो रे। खेल शुरू करते हैं। बंद करो रे। कोई भी गुलाब सिंह के सामने टिक नहीं सकता। सारे दुकानों का तोड़ डालो, कोई भी गुलाब सिंह के सामने टिक नहीं सकता। एक भी दुकान में छोड़ा नहीं रे, सबको तोड़ डालो। ए गुलाब, क्या बात है, बहुत बिजी लग रहे हो। अरे भाई सारा काम अच्छी तरह से हो रहा है। तो भाई ने ये सब कुछ देखा? अभी देख कर अंदर चले गए। तो ठीक है मैं चलता हूं। भाई अरे भाई 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 भाई, कहाँ जा रहे हो भाई? अभी अन्ने से मिलने जा रहा हूँ। किस लिए भाई? अब्दुल भाई को मैंने मारा ये बताने के लिए। ये क्या मुझे पागल समझ के हमेशा ऐसा करता रहता है क्या? आज फैसला हो जाएगा कॉलेज का हीरो कौन है, मैं इसके पीछे लगता हूँ। अब्दुल्ला, ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब्दुल्ला को मैंने मारा है और नेक्स्ट सदा को भी मैं मार दूंगा। अब्दुल्ला को मैंने मारा है और नेक्स्ट सदा को भी मैं मार दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं पता। अब्दुल्ला को मैंने मारा है
और नेक्स्ट सदा को भी मैं मार दूंगा। यस 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 यस, उसकी आंखें और आवाज, अब जाकर मुझको सही आदमी मिला है। अब क्या खेल खेलता हूँ। कौन है भाई? वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने मेरे अब्दुल्ला को मारा और अन्ना को वार्निंग दी है। उसकी आंखें और उसकी आवाज, वो तुमको भी मार डालेगा, ऐसी धमकी दी है। वो मुझे क्या मारेगा भाई, मैं खुद ही उसे मार डालूंगा और अब्दुल्ला के नाम से पिन डाउन करूंगा। उसकी आवाज और आंखें। We'll be right back.
बाइक से जा रहे। तुम्हें पता नहीं है मेरे ऊपर भाई का हाथ है। भाई तुमको जानता नहीं, मैं जानता हूँ। बाइक खरीदी क्या? नहीं, चोरी करके लाया हूँ। अब्दुल्ला को मैंने ही मारा है, सदा को भी मैं ही मारूंगा। आज भाई से मिलने जा रहा हूँ, सदा को भी मैं ही मारूंगा। बाप रे, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। मैं सोच रहा था कि मेरी तरह बिल्डअप दे रहा है। उसने सदा को मार दिया। उसने मारा तो अच्छा ही क्या, वो मर के ऊपर चला गया और जिसने देखा उसके लिए टेंशन है। वो सदा के आदमी शायद उसे ढूंढ रहे होंगे। अरे गुलाब, तेरा गुलाब जामुन हो गया। सिटी चैन क्या सिटी बन गई। भाई आपका गांव कौन सा है? जरूरी है क्या? नहीं भाई, गांव है, गांव जंगम है। जंगम क्या? मेरा गांव हैदराबाद है भाई। यहाँ किसी काम से आए हो? भाग कर आया हूँ। वहाँ शहर में भाई के दो आदमियों को किसी ने मार दिया, आपने उसे देखा है क्या? भाई कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि भाई के आदमी उसे यहाँ भी ढूंढ रहे हैं। वो अन्ना के आदमी देरी ढूंढ रहे हैं। वो अन्ना के आदमी, तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी भाई का ही आदमी हूँ ना। अरे बाप रे, ये तो मेरे लिए पूरी सिटी में नहीं पूरे स्टेट में घूम रहे हैं। मैं नहीं मिलने वाला हूँ। चल भाई मैं चलता हूँ। चल बिरू हैदराबाद 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 हैदराबाद। गली गली छान मारो, पूरा शहर ढूंढो, ट्रेस करो। उसकी आंखें और उसकी आवाज मुझे चाहिए। जाओ। पिताजी, मैंने आप लोगों से एक सच छुपाया है। कौन सा सच? तुमने हमारी आंखों के सामने सर उड़ा दिया, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, दरअसल हुआ ये था। क्या हुआ जानना जरूरी नहीं। ए, चल तू यहाँ से निकल। चल पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? किसी मामूली आदमी को नहीं मारा है, भाई का आदमी को मारा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बेटा, नहीं, मेरी बात तो सुनो। बोलो, हमने कुछ नहीं देखा, तुम जाओ। मैं नहीं आऊंगा, मैं उनको खत्म करने आया हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं ना माँ। मुझे माफ कर दो। 11 साल की उम्र में जब मैं अनाथ हो गया था, तब आप लोगों ने ही मुझे पनाह दी। उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा कोई नहीं है। मेरा भी एक प्यारा घर था, मुझे लाड प्यार से पालने वाले मेरे माँ बाप थे। मेरी गलती को छुपाने वाले मेरे चाचा चाची थे। मैं कुछ भी करूं, उसे पसंद करने वाली मेरी बुआ की बेटी थी। मेरे साथ खेलने वाली मेरी एक बहन भी थी। जीजा, मामा, मामी और एक छोटा सा कुत्ता। हमसे बड़े हमारे दादाजी, एक दूसरे पर जान न्योछावर करने जैसा प्यार था। हमारा एक खुशहाल परिवार था। ये सब क्या कर रहे हैं? बच्चे बन गए? बच्चे गिर जाएंगे। नहीं गिरेंगे। क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही मना किया था, अब देखो कितनी चोट लगी है। नहीं, मैं तो ऐसे ही, देखो हाथ में कैसे खरोच आ गया है। बड़ा होने से कुछ नहीं होता। वो नहीं, मैं तो क्या नहीं, बड़े होके बच्चों के साथ मस्ती करते हो? ये बात नहीं पिताजी, मैं तो इनके साथ मस्ती कर रहा था। आपने मस्ती किया और हमें डांट पड़ रही है। अरे तुमने ही तो कहा था। आप ही ने तो कहा था, कमान कमान होके चढ़ जाओ। मैंने कहा था, ठीक है, सॉरी सॉरी। मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था। ऐसा नहीं है भैया, शरीर बढ़ गया लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा हुआ। अरे मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोलेंगे जीजा जी? दिखाओ इधर। सॉरी, तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, फिर भी मैं चुप नहीं रहूंगा। ओके, ये डैडी, हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हमें तो आपको सिर्फ डांट सुनानी थी। आपके कहने पर हमने ऐसा किया। हम लोग को मस्ती करने की थी और वो हमने कर ली। पागल। सॉरी अंकल। तुम सब लोग मुझ पर चिल्ला रहे थे, क्या तुम लोगों के दिल में मेरे लिए यही रिस्पेक्ट है? सॉरी यार, सॉरी। सॉरी भैया। Thank you.
साहब जी नमस्कार, मुझे अन्ना कहते हैं। हाँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बैठिए बैठिए, खाना खाते समय उठते नहीं है, बैठिए बैठिए। आह, घर के खाने की खुशबू लिए हुए कितने साल हो गए। ऐसे क्या देख रही हो बच्चों की माँ, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। हाँ, खाना लगाओ। बहन बैठ जाओ। मेरे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मुझे इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। बूढ़े तुझसे मांगा क्या था, हमने सिर्फ घर खाली करने के लिए कहा था और उसके लिए तू एसपी को जाकर कंप्लेंट कर दिया। गलत है साहब जी, हम आप लोगों को यहाँ से नहीं निकालेंगे, आप और हम सब मिलकर एक साथ यहीं पर रहेंगे। सुनिए, इस घर के लिए जो आप पैसे दे रहे हैं वो हमारे लिए काफी नहीं है। साहब जी पहले आप ये बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। मेरी पोती की शादी। पोती प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ, ये छोटी पोती? हाँ? भाई नहीं भाई, बेचारी छोटी बच्ची है। ए, क्या रे चाइल्ड सेंटिमेंट्स? नहीं भाई, ये पाप है छोटी बच्ची को मारना। और कुछ नहीं भाई, बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक छोटी सी बच्ची के साथ। उससे कहिए मेरी पोती को छोड़ दे। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम लोगों ने नहीं सुना। मेरे भाई ने उसे इतने प्यार से मांगा, मैं मना कैसे कर सकता। ए, उसके लिए गाड़ी छोड़ दो। मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे मैं उसे देख लूंगा, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? ओके। अरे आओ एसीपी, आओ बैठो बैठो। ए, एसीपी के लिए कुछ लेके आओ, बैठो। सर, मैं उसे लेकर जाऊंगा। अब इसको ले जाकर तुम क्या करोगे? प्रमोशन चाहिए क्या? मुझे वही चाहिए सर। ये हमारा ही आदमी है, छोड़ दो। इसने एक लड़की का रेप किया है सर। ये बच्चा है, गलती हो जाती है। तो अपने बेटी को भेज देते। दिमाग ठिकाने पर है ना? मेरे पास दिमाग नहीं है, इसलिए मैं अब तक तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, बदतमीजी से नहीं। इसलिए ऐसे क्रिमिनल को मैंने मार के नहीं फेंका, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है। बहुत ज्यादा उछल रहे हो ना, काट कर फेंक दूंगा। तू क्या फेंकेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्दी उतार लेगा और तू क्या कर लेगा? ए, शायद तू अभी तक मेरी पावर को नहीं पहचान पाया। तू पावर दिखाएगा क्या? तू भगवान है? राजगति पे आते ही तू इतना बड़ा हो गया क्या रे? ऐसे गुंडे लोगों की गलतियों को दबाकर तुम पनाह दे रहे हो। तुम जैसे लोगों की सपोर्ट की वजह से ऐसे गधे एमएलए एमपी बनकर इस देश को खराब कर रहे हैं। हर पुलिस वाला ऐसी बात करता है तो ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे। जनता ने हमें जिताया है और जनता जब तक हमारे साथ है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, समझे तुम? रुक, जनता तुम्हारे साथ है ये कैसे सोच लिया? तुम जीत गए ऐसा तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा? ओके ठीक है, मैं तुम्हें गणित बताता हूँ। लाखों लोगों में से एक आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसे एमएलए बनने के लिए 50,000 से भी ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। ऐसा कभी हुआ? हाँ? चार पार्टियों में से दो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े थे, अगर उसमें से सबको वोट बांट दिया गया तो तुम्हें सिर्फ 20,000 वोट मिले। 20,000 वोटों में से 10,000 वोट इन कमीनों के हैं। मतलब अब लाखों लोगों में से सिर्फ 20,000 लोगों को तुम्हारी जरूरत है, 80,000 लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या रे, तुम मुझे लेके दे रहा है? हाँ, ये सब लोग मेरे सारे, और जितने मर्डर और रेप होते हैं वो मैं ही करवाता हूँ। तो क्या करेगा तू, अभी क्या कर लेगा? अगर हमारे ऐसा राजनेता नहीं होगा ना तो तुम जैसे लोगों को भीख मांगना पड़ेगा। चल जा 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 यहाँ से। देख क्या रहे हो, भगवान समान मिनिस्टर ने इसे पनाह नहीं दी इसलिए इसने मार डाला। अरेस्ट हिम।
क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें लगेगा कि मैंने इसे मारकर गलत किया है तो कोर्ट में बता देना, अगर मैंने सही किया है तो कल कोर्ट में बोल देना। मेरे रे, आप तो बेवजह ही यूं ही चिंता क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, वो एक ही तरीके से झुक सकता है, सेंटिमेंट्स। भाई साहब नमस्कार, मुझे अन्ना कहते हैं, अब्दुल्ला सदा, मैं और मेरा भाई शंकर। हम लोग सिर्फ जमीन पर कब्जा ही नहीं, ऐसे कई छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे रेप मर्डर भी करते हैं। और यही हमारा काम है। आप लोग हमारे काम के बीच में आएंगे हा? तो हम लोग कैसे जिएंगे? अब तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मेरे आदमियों को और जिन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, उनको आपके बेटे ने जेल में डाल दिया, वो लोग बाहर आने चाहिए। आप लोग भी फैमिली वाले हैं, आप ये कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना दिल बड़ा करके ACP को समझाइए। बहुत बड़ा परिवार है आपका। अगर आप में से किसी को कुछ हो गया तो आप सह नहीं कर पाएंगे, यही मेरी कंडीशन है। बेटे के आने का वक्त हो गया, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें यही मार डालेगा। ए, हम नहीं तुम मरोगे। यही है मेरा परिवार, यहाँ तुमसे कोई नहीं डरेगा। तुम्हें मारने के लिए बच्चे काफी है। ए, ले जाओ इसे, एनकाउंटर कैसे करना है बाद में बताऊंगा। आउट। ये सब क्या है पिताजी, बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हो? मैंने क्या किया, ये लोग तुम्हें ही फॉलो कर रहे हैं। ये क्या, तू तो तलवार ही लेके आ गई। तो क्या हुआ, बाबू ने भी तो उठाया है। दो, दो, तुम दोनों को तो बाहर निकालकर मैं बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूँ। अगर वो मर गया तो ओके, और अगर वो नहीं मरा तो मेरा प्रमोशन भगवान के हाथ, हम सब मारे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंस्पेक्टर, इसके लिए उसे मरना होगा, उसके पूरे परिवार को। जब लहराते धड़कन में सरगम, हर खुशी लगने लगती है फिर तो कम। प्यार से बनते हैं रिश्ते, रिश्ते से संता, कुछ भी ना होता दुनिया में जो न होता था। इस जमीन और आसमां का जहां होता है संगम, स्वर्ग से भी सुंदर होता इनका तो समागम। कल भी हम लोग इधर ही रहेंगे डैडी। ए, अरे एक वीक में एक ही संडे होता है, दो नहीं। हाँ,
अगर जल्दी सो जाओगे ना तो स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ जाओगे। ओ मेरी बिटिया। इतना बड़ा दुख दबाकर तुम इस तरह से इतने खुश कैसे थे बेटे? सिर्फ आपका प्यार पिताजी मुझे अपना दुख भूल जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन लोगों से बदला मैं नहीं भूल सका, और अगर आप नहीं होते तो वो लोग रहते या मैं रहता। उन लोगों को मारने के लिए भगवान ने मुझे अकेले जिंदा रखा। क्या हुआ बेटी? मामा जी, मेरा मन कहता है कि मेरे परिवार का कोई तो एक जिंदा है। मामा जी, तुम अभी भी वही सोच रहे हो बेटी? उस हादसे में किसी और के जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं था। पता नहीं मामा जी, पर लाइब्रेरी में बुद्ध की प्रतिमा पे रोज कोई फूल रखता है, और वहां हमारे परिवार के अलावा कोई और फूल नहीं रखता था। पता नहीं क्यों, पर बार बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे परिवार से कोई जिंदा है। मामा जी, हम उस घर में बहुत ही प्यार से रहते थे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। नहीं तो फिर सदा को किसने मारा? उसे मारने वाले को देखकर लग रहा था कि वो उससे बदला लेना चाह रहा था। मारने वाला बहुत गुस्से में था, वो हमारे परिवार से हो सकता है। ऐसा सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन भरोसा मत रखो। नहीं मामा जी, लेकिन पता नहीं। अरे बेटी, अगर तुम्हारा भ्रम सच हुआ तो हमसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं है। जो होगा हमारे अच्छे के लिए ही होगा। भाई, इस तरह से मैं आपको दुखी नहीं देख पा रहा हूं।
मैं आपके भाइयों का भविष्य अपने हाथों से बनाना चाहता था। मैं उन्हें एमएलए बनाकर उनके गले में हार डालकर जो कार्यक्रम करने को सोचा था वो हार इनके फोटो पर डालना पड़ेगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था कभी। आप कैसे सह पा रहे हैं भाई? सर, वो हत्यारा कैसा दिखता है आप बता सकते हैं क्या? अगर उसका बाल भी मिल गया ना? अगर उसका एक बाल भी मिल गया तो क्या कर लोगे तुम उसका? वो नहीं सर। क्या नहीं? अगर एक भी सबूत मिल गया ना तो हमारे लिए बहुत है। तो जाओ इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। इनको क्यों परेशान कर रहे हो? ये खुद दुखी है। भाई के पास आकर डोनेशन लेना ही तुम्हारा काम नहीं है। भाई है इनके आदमियों पे किसी भी तरह की कभी भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वो कौन है जाकर इमीडिएटली पता लगाओ, नहीं तो तुम्हें निकाल दूंगा। तू क्या निकालेगा? भाई मैं पूरा पुलिस फोर्स बुलाऊंगा और पूरी सिक्योरिटी इधर रहेगी। डरने की कोई बात नहीं भाई, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। दो अपनी जान दो। नहीं भाई, मेरे भाई की जान वापस दो। ऐसा मत करो भाई। भाई वन वीक में, एक वीक में मेरे भाई की जान वापस दोगे? इस केस में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे मैं खुद पकड़ूंगा। ये पूरी सिक्योरिटी ले जाकर अपने घर पर खुद लगवा लो। जाओ, जाओ। कमीने लोग, वो जो कोई भी है इसे भी जरूर मारेगा, और तब मैं उसको अरेस्ट भी नहीं करूंगा। इसकी जान लेने के लिए मुझे उसको एनकरेज करना होगा, तभी सब लोग खुश रहेंगे। ये मेरे मन की बात बाहर आ रही है, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो मैं ही तो बोल रहा हूँ सर। ओह अच्छा, तुम बोल रहे हो।
देखा नहीं था। सॉरी, अनजाने में धक्का लग गया। सॉरी अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात बताने के लिए वक्त सही नहीं है। मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ है पता नहीं, मैं बता भी नहीं सकती। किसने ना ये पढ़ा अनजाना, दिल की है ये भाषा, ढाई अक्षर प्रेम का कहे दीवाना, प्यारी है ये भाषा। लड़ी हौले से बतिया बड़ी, उड़ने लगा दे चना, तारों भरे आसमां पे चलो, हर दिन वही हमसे आगे मिलो, दुनिया से चुपके तुम आ जाओ चुपके, बाहों में रह लो मेरे, तुम बना हो में रह लो मेरे। हर दिन वही हमसे आगे।
चुपके तुम आ जाओ चुपके, बाहों में रह लो मेरी, तुम पनाहों में रह लो मेरी। ए कौन है बे? ए इज्जत से वरना गेयर टूट जाएगा। आई एम जॉनी फ्रॉम बॉम्बे, समझ में आया? सिगरेट? यहाँ पे क्या लेने आया? भैया अब समझ में आया, मैं हत्यारे के बारे में बताने आया हूँ। कितना दम होगा, कितना गट्स है, जो मैं उसके बारे में बताने आया हूँ, उसको देखने वाला, उसको कैच करने वाला मैं हूँ। सिगरेट? ए, सिगरेट क्यों वेस्ट कर रहा है बे? मैं भाई, भाई, तू चुप रे, अभी जरूरत हमारी है। भाई ये लो सिगरेट पियो। तुम लोगों में से भाई कौन है? ए, तो भाई को नहीं जानता है? भाई, 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 भाई। कौन है ये भाई, कोई भगवान है? तुम्हारे भाई को मेरे बारे में कुछ पता है? इस शहर में नए हो क्या? करेक्ट, लेट सही लेकिन करेक्ट गेस किया। अगर मैं अपने मुंबई के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो तुम लोग हिल जाओगे। मुंह मांगी रकम दो तो मैं हत्यारे के बारे में बताता हूं। पहले वो कौन है ये बता। तेरी ऐसी की तैसी, मैं सिर्फ भाई को बताऊंगा। कहाँ है भाई? कम ऑन। ए, ए, कौन है बे? भाई ये सदा के हत्यारे के बारे में जानता है। क्या? सच में? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बोलो 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 बोलो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बताओ 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 बताओ। ये हिप्नोटाइज मेरे साथ नहीं चलेगा। 2,00,000 रुपए लूंगा, 2,00,000 रुपए, 2,00,000 दो और सॉरी। कब से देख रहा हूँ तुम्हारा ये बोलवा। तू भी ना इसकी बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहा है? तुम लोगों ने क्या उखाड़ा? एटलीस्ट एक कॉमेडी तो कर रहा है। क्या मैं इतना सीरियसली बात कर रहा हूँ और तुम लोगों को कॉमेडी लग रही है? भाई तुम बहुत टेंशन में हो। ओके तुम माफिया से मत भिड़ो, लाशें भिज जाएंगी। तुम किसके सामने बात करो पता तुम्हें? पता है मुझे। भाई 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 भाई, सो व्हाट? मुंबई में माफिया के लोगों को मलेरिया हो गया तो ठाकरे ने बुलाकर पूछा क्या करें? ये तो बच्चा है। अगर ये सच बोल रहा है तो उन लोगों को लेकर आओ, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसकी लाश बॉम्बे ट्रेन में चढ़ा दो। भाई भाई भाई, भाई रोको रोको रोको। भैया भाई के बारे में पता नहीं था इसलिए पागलों जैसी बात कर रहा था, ऐसा स्ट्रोक दे दिया। पहले घर बता। यही घर है भाई। यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है? मां कसम खा के कहता हूँ मैं उन लोगों को इसी घर के सामने छोड़ा था। मुझे छोड़ दो, मैं बम्बई भाग जाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, नहीं भैया। कौन है तुम लोग? इस घर के लोग कहाँ गए हैं? ये लोग घर खाली करके चले गए। कहाँ गए? दिल्ली। कब गए पता है? अभी गाड़ी से निकले हैं। हाँ, आप लोगों के आने से पहले वो चले गए। वो भाग गया? भाई किधर भाग गया? भाग गया। हे भगवान, ये लोग सुमो से मेरा पीछा कर रहे हैं। यहाँ छुप जाता हूँ। वो आप समझते क्यों नहीं पिताजी, सिर्फ मैं हूँ जो उनको मार सकता हूँ। वो लोग जिंदा रह गए तो बहुत लोगों की जान जा सकती है, इसलिए आप मेरी बात सुनिए और घर जाइए। जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं माँ, मैं पहले ही अपनों को खो चुका हूँ, अब मैं आप लोगों को नहीं खोना चाहता। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो माँ मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से चले जाओ। हम लोग तुम्हें इतना समझा रहे हैं और ये समझने को तैयार ही नहीं है। ये सिर्फ यही चाहता है कि हम लोग जिंदा रहे और इसे कुछ भी हो जाए तो ठीक है चलो। पिताजी मुझे भी जीना है, मुझे भी आप लोगों के साथ जिंदगी बितानी है, लेकिन तुम लोग उस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ जाते हैं। देखो ठीक तरह से देखो, चलो उनको। पिताजी इस तरफ। Thank you.
जाओ यहाँ से। मैं संभाल गया। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। ठीक है मस्त बेटा, बेटा ख्याल रखना, यहाँ पे रहना बेटा। ऐसे क्या देख रहे हो अन्ना, आओ बैठो। तुम्हें वार्निंग देने वाला, तुम्हारे आदमियों को मारने वाला। अभी उन लोगों की क्या हालत थी देखा ना? आप लोगों को बहुत जल्दबाजी रहती है। उमा थोड़ा तलवार किनारे में लग गई है, जरा पानी मंगा दीजिए ना। कौन है तू? एसीपी का बेटा। मेरे खून का एक एक कतरा तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा है। मेरे आदमियों को मारकर मुझे धमकी दी और मेरे सामने बैठा है। तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई और तुम्हारी कूलनेस मुझे बहुत पसंद आई। क्यों, तुम्हें देखकर डरना चाहिए था क्या? मैं अकेला हूँ, मेरे सिवा यहाँ मुझे बचाने वाला और कोई नहीं है। ये लो, ले लो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मारोगे? लो मारो, तुम इतने लोग हो और मैं अकेला। मारो। ठीक है, तुम नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूँ। क्या रे, ट्रिगर दबाऊं क्या? दबाऊं? बोल, टेंशन हो रही ना, बोल। चल, बोलता क्यों नहीं? टेंशन हो रहा है ना? है ना? ट्रिगर दबाया तो बुलेट भेजे से पार हो जाएगा, झट से खत्म हो जाओगे। आसानी से नहीं मारूंगा। एसीपी के बच्चे, मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर मौत से डर नहीं लगता तो फिर अपनी हिफाजत के लिए इतने कुत्ते अपने आसपास क्यों पाल रखे हैं? तुम मुझसे डर रहे हो, वरना मुझे मारने के लिए इतने आदमियों को नहीं भेजते, क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मार ना दूं। ए, मैंने तुम्हारे सिर्फ दो आदमियों को मारा तो तुम्हें इतना गुस्सा आया, और तुमने मेरी आंखों के सामने। तुम अपने भाई को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो ना? मैं उसको तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा, और उस दुख से तुझे मर जाना चाहिए। मैं तेरी आंखों में डर देखना चाहता हूं। दुबई में वहां तेरा भाई बैठा है ना, उसे मैं यहां आने के लिए मजबूर कर दूंगा, और अगर तुझ में दम है तो तू उसको बुला। hey!
अरे तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? और मैं मौत से प्यार करता हूं। कल तक मेरा भाई किसी भी हालत में यहां पर होना चाहिए। पूरी दिल्ली छान मारो और उसका परिवार कहां पर है मुझे ढूंढ कर बताओ। हाँ आओ शंकर, ठीक हो ना? ये सब क्या है? उसने दो को मार डाला और हमारे घर आकर आपको धमकी दिया तो क्यों नहीं मार डाला? उसको मौत से प्यार है, फिर उसे मारने से क्या होगा? मुझे मारना अच्छा लगता है। वो अब कहां मिलेगा? वो इतनी आसानी से किसी के आगे नहीं झुकेगा। जिन लोगों ने उसे पाला पोसा है ना, बस वही एक सेंटीमेंट है। उनको तो वो पहले ही यहाँ से भगा चुका है और धमकी दी है वो तुम्हें मेरे सामने मारेगा। भाई आपने मुझे बुला लिया होता तो मैं अब तक तो उसकी तो अरे, उसकी मौत इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए। उसे तो हम भगा भगा कर मारेंगे। स्वाम अस्तम रक्षाल्य आजम्या केशवाय स्वाम नारायणाय स्वाम माधवाय स्वाम प्राचीना विधि अस्मदोर्गुणि स्वाम अक्रोधनय सौत्यपरय सततम् ब्रह्मवादिवे भवितव्यं भवद्भिक्ष्य। पंडित जी, क्या कोई और भी यहाँ पिंडदान करके गया है? कर्तम अधिकार संपदस्तो अधिकार प्रबंध प्रबंध कर्तम अधिकार संपदस्तो कंचर लगोत्रोद्भवस्य पीर राघव राघवय नामधेयस्य प्रकाश प्रकाश नामधेयस्य अस्तम पिंड प्रदान देवताभ्यं छायामि ध्यानं समर्पयामि जमानस्य पितृपितामह प्रपितामहानि मे विलायं कुतः। इनको किसी का पिंडदान करवाना है तुम उठ जाओ। गोत्र क्या है बताइए? कंचरला गोत्रा। किसके नाम का पिंडदान करवाना है बाबू? राघवया मोहन राव। ये क्या है बाबू, इसी नाम से एक आदमी अभी अभी पिंडदान करवा कर चला गया है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ बाबू, यही नाम और यही गोत्र अपने पूरे परिवार का पिंडदान करके अभी भी चले गए। उनके साथ एक लड़की भी थी। मुझे पसंद है, वो नहीं रहे इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। अरे राम, तुम यहां कैसे? राम मामा जी, अंजलि अक्सर तुम्हारी बातें करती है। राम,
बेटा हम चलते हैं, हो सके तो कभी हमारे घर आना। चाचा जी, मेरे सिवा यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे मार गई रे तेरी ये अदा, हो गया मैं फिदा तुझ पे जाने जा। हो गया मुझे पे तू फिदा, तो है मेरी क्या फायदा, मुझे तो तू बता करूं मैं करूं क्या। तू है सबसे हटके हटके, छेड़े क्यों मुझको सटके। दे दे तू जरा प्यार ये तेरा बेकरार, मैं हूं तू जरा एक बार हाँ जा तुझे मैं दे दूँ। तू है सर तेरा मान मशविरा, छोड़ ये आरज़ू मेरी कामना मेरी कल्पना, करना दीवाने तू। हाय रामा मुझे मार गई रे तेरी ये अदा, हो गया मैं फिदा तुझ पे जाने जा। हो गया मुझ पे तू फिदा, तो है मेरी क्या फायदा, मुझको तू बता करूँ मैं करूँ क्या। भी ले ले जाएंगे ना पीछे रे। अड़ा है जिद पे क्यों इतना, अड़ा है पीछे क्यों इतना, न संग हम तेरे आएंगे क्यों खींचे रे। है नजर में तेरी जादू, कर दिल को मेरे बेकाबू। मुझको यूं न देखो, मैं तुझको ये समझा दूं। दे दे तू जरा प्यार ये तेरा बेकरार, मैं हूं कह दे तू जरा एक बार हाँ जा तुझे मैं दे दूं। मशविरा छोड़ ये आरज़ू मेरी कामना मेरी कल्पना, करना दीवाने तू। हाय रामा मुझे मार गई रे तेरी ये अदा, हो गया मैं फिदा तुझ पे जाने जा। हो गया मुझ पे तू फिदा, तो है मेरी क्या फायदा, मुझको तू बता करूं मैं करूं क्या।
बताओ कहाँ है, बता। पिताजी, मेरे परिवार के दो लोग जिंदा हैं। तो क्या बोल रहा है बेटा? नहीं पिताजी, मारना या मरना ये मेरे अकेले का सवाल है। मैं कौन हूँ इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं, तुम जिंदा हो जब उन्हें पता चलेगा तो वो लोग बहुत खुश होंगे। जाओ उनसे जाकर मिलो। उसके लिए कॉलेज गया था, वहां पता चला कि तुम क्लोज फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। प्यार प्यार, उसने सदा और अब्दुल्ला को मारकर मेरे भाई को धमकी दिया है, तुम्हें पता है? मामा जी। कौन है? तुम इसकी मां की? तीनों जन यानी पूरी फैमिली जिंदा है। तीन जन? क्या नौटंकी कर रहा है? वो कहाँ है बे? बता। कौन? मेरे भाई को धमकी देने वाला तुम्हारा भतीजा। हा? मेरे भाई का बेटा जिंदा? बाबू जिंदा है। मैंने जो सोचा था वो सही है मामा जी। वो जिंदा है, तुम्हें पता नहीं था? वो पूरा परिवार। समझ में आ गया। मैं यहाँ उसकी सेंटिमेंट के लिए आया था, मगर मुझे तो उसकी जान ही मिल गई। अभी गेम खेलता हूँ। अरे रुको, भाग नहीं ना पाए। हम लोग जिंदा है, उसको पता नहीं, उससे जाकर बता दो। जाओ बेटी, जाओ। नहीं जाओ, जी। जाओ बेटी, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से जाओ। तुम जाओ बेटी, जाओ। उसको इधर से लेकर जाओ। चाचा जी, मैं आपको बचा लूंगा चाचा। राम, तुम्हें देखे बिना चला जाऊं? ऐसा क्यों सोचा है तू? नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, नहीं। जाओ, जाकर अंजलि को बचाओ। चाचा जी, आप इस तरह से नहीं जा सकते। बचाओ उसको। नहीं, आप नहीं जा सकते चाचा जी। चाचा जी,
देख रहे हो कूल कूल अंजलि कहां था अंजलि कहां ए रुको रे रुको तुम्हारे ब्लड में कितनी पावर है रे हाँ पावर अंजलि कहाँ है और ब्लड चाहिए कहाँ है अरे रे 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 तेरी पावर और गट पता है इसलिए अंजलि को इधर नहीं रखा अंजलि अंजलि मिल के बिछड़ गए पता नहीं था फिर भी किसी तरह मिल गए अभी तक तू कौन है उसे पता नहीं है कौन है उसे जाने बिना उसे मार दो वो बता वो भी तुम्हारी तरह टॉर्चर हो रही होगी दुख हो रहा है आखिरी बार उससे बात करना चाहते हो ये लो बात करो अच्छा लगेगा उसका दुख और अपना दुख एक दूसरे को बता दो उसको फोन दो उसका राम उससे बात करेगा ये लो बात करो अपने राम से राम अंजलि राम राम अंजलि अंजलि तुम कहां पर हो अंजलि कहां पर हो बताओ बताओ कहां हो राम राम हाँ बोल अंजलि अंजलि मैं इधर हूँ अंजलि मेरे बारे में मत सोचो राम मार दो उन लोगों को मार दो राम मेरी परवाह मत करो उन सबको मार दो हम जिंदा है उन्हें मारने के लिए मार दो राम उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो उनके मार दो उन्हें अंजलि कहाँ अंजलि कहाँ है इससे ज्यादा तुम और क्या कर सकते हो पहले मुझे बताओ अंजलि कहाँ है बता दूंगा तो जाकर बचा लोगे तो जाओ वो तुम्हारे घर पे है लाइब्रेरी में जाओगे तब तक वो जिंदा नहीं रहेगी और तुम भी मैं जरूर मरूंगा लेकिन तुम लोगों को मारने के बाद कैसे रे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और तुम्हारी बॉडी में शक्ति नहीं मरोगे पता है फिर भी मारने की बात कर रहे हो कैसे मेरे भाई के सामने मुझे मारोगे भाई सामने है मार दो मुझे मारो मारो मार मार ये लो पिस्तौल ये लो 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 मारो 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 प्लीज प्लीज मारो 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 प्लीज मारो मारो शंकर शंकर
Oh, my God.
अंजलि अंजलि चलो हॉस्पिटल चलो अंजलि 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 चलो नहीं जाना, तुम हो ना मेरे साथ।